शीर्षक है दुराग्रह का जवाब सत्याग्रह से। किसान सत्याग्रह कर रहे हैं और सरकार दुराग्रह पर अड़ी है। जन आंदोलन की ताकत देखिए, शीत लहर झेल किसान रहे हैं और कंपकपी सिंहासन को छूट रही है। किसान आंदोलन के चलते सरकार की हालत बड़ी विचित्र है, मानो किसी ने उससे कड़ाके की सर्दी में रजाई का विलोम और पानी के पर्यायवाची पूछ लिए हों। वार्ता करने वाले मंत्रियों के व्यवहार से साफ है कि उन्हें मूल विषय के अलावा हर बात की समझ है। यूं भी मंत्रालय आवंटित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि मंत्री को संबंधित विषय का लेश मात्र ज्ञान न हो। यानी कृषि मंत्री ऐसे व्यक्ति को बनाया जाता है जो मानकर चलता है कि राई और सरसों एक ही पौधे के लगते हैं। यदि ऐसा टैलेंट लोकसभा में उपलब्ध न हो तो खोजबीन कर राज्यसभा के मार्फत लाया जाता है। किसानों से वार्ता हेतु कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ रेल मंत्री को विशेष रणनीति के तहत लगाया गया होगा कि हो न हो प्रतिभाशाली पीयूष गोयल भारतीय रेल की तरह किसान आंदोलन को भी पटरी से उतार देंगे। अब तक की कुल वार्ताओं का निष्कर्ष यह है कि एक वार्ता के लिए किसान इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि उन्हें अगली वार्ता की तारीख दी जा सके। मंत्रीगण किसानों को कृषि कानूनों के फायदे समझाते हुए कहते होंगे, आंदोलन समाप्त कर दो, तीनों कृषि कानूनों से किसानों को बहुत फायदे होंगे। किसान पूछते होंगे, जी बताएं क्या फायदे होंगे? मंत्री बताते होंगे, यह तो हमें भी नहीं मालूम लेकिन बहुत फायदे होंगे। वार्ता की बार बार तारीख बढ़ाने के पीछे संभवतया यह कारण हो सकता है कि पहले मंत्रीगण प्रधानमंत्री से कृषि कानूनों के फायदे पता करते होंगे, फिर प्रधानमंत्री उनसे फायदे पूछते होंगे जिन्होंने उनसे तीनों कृषि कानून बनवा लिए। प्रधान सेवक बिना पूछे सबका भला करते रहते हैं। नोटबंदी से आम आदमी का भला किया, जीएसटी से आम व्यापारी का भला किया, तालाबंदी से आम मजदूर का भला किया और अब आम किसान के भले के लिए तीन कृषि कानून लाए हैं। समाजवाद लाने का महाज्ञानियों का अपना फार्मूला होता है, बकरी की एक टांग टूट जाए तो वे उसका इलाज नहीं कराते, उसी नाप तक बाकी तीनों टांगे तोड़कर चारों बराबर कर देते। इधर किसान आंदोलन चल ही रहा है, उधर बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, सो प्रचार अभियान पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में एक किसान के घर खाना खाया। जाहिर सी बात है, आंदोलन दलितों का चल रहा होता तो गृह मंत्री किसी दलित के यहाँ खाना खाते? राहत की बात रही कि खाना खाने के बाद गृह मंत्री ने मेजबान किसान से ये नहीं कहा कि मुझे ट्वीट करने के लिए लहलहाती फसल के साथ सेल्फी लेनी है, आपके खेत कौन से कमरे में है?